साल दर साल का ब्यौरा देते हुए बताएंगे कि कैसे कांग्रेस ने हिंदुओं का मजाक बना दिया। 1950 में आया आर्टिकल 25। कांग्रेस 1950 में आर्टिकल 25 को लेकर आई, जिससे धर्म परिवर्तन को मान्यता दे दी गई। और सबसे ज्यादा किसका धर्म परिवर्तन हुआ ये सब जानते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नेहरू 1950 में आर्टिकल 28 लेकर आए और हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया। लेकिन आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। धार्मिक शिक्षा के बाद निशाने पर थी धार्मिक संस्थाएं। 1951 में HRCE एक्ट, 1951 में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट लेकर आए। उन्होंने कारण दिया कि बड़े मंदिरों का रखरखाव सही से हो सके, लेकिन इसकी आड़ में कब्जे कर लिए, जिसके तहत भारत में मौजूद बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंध सरकार ने अपने हाथों में ले लिया और मनमाने ढंग से इनकी संपत्ति का दुरुपयोग किया। और ये सिर्फ हिंदुओं के मंदिर पर लागू था, बाकी धर्मों या धार्मिक स्थल पर लागू नहीं था। 1956 में हिंदू कोड बिल आया। 1956 में नेहरू सरकार हिंदू कोड बिल लेकर आई, लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए इन्होंने पर्सनल लॉ बोर्ड को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया। मतलब एक ही है, देश में एक जाति कर संविधान कानून से और दूसरी अपने धर्म के कानून के हिसाब से, और आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से कतराते हैं। कांग्रेस ने लगाई आरक्षण की आग। कांग्रेस आरक्षण लेकर आई, जिससे हिंदुओं को बांटने का काम किया गया, जिससे सबसे बड़ा नुकसान हिंदुओं को हुआ। आरक्षण की देश में जरूरत थी, लेकिन मक्कार कांग्रेस ही इस योजना को 10 साल लागू करने की बजाय इसे बढ़ाते चले गए और ना ही इससे लोगों को सशक्त बना पाए, जबकि लोगों को इसकी लत लगा दी गई। इंदिरा का कार्यकाल। साल 1976 में एमरजेंसी के दौरान ही इंदिरा ने संविधान में सेकुलर शब्द को जबरदस्ती घुसा दिया, जिसको लेकर संसद में कोई चर्चा तक नहीं हुई। मतलब कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी भारत हिंदू देश नहीं कहलाया जा सकता, जबकि आप हमारे आसपास देखेंगे तो सभी मजहबी देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं बचा। इसके बाद हिंदुओं के कानूनी अधिकार और इतिहास निशाने पर थे। 1991 में पूजा स्थल कानून। 1991 में कांग्रेस ने पूजा स्थल कानून बनाया, जो बेहद हिंदू विरोधी कानून था, क्योंकि इस कानून के तहत हिंदू, सिख और जैन मुगलों के कब्जे से मंदिरों को छुड़ाने के लिए लड़ाई ही नहीं लड़ सकते। उनके पास दलील सुनने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं छोड़ा गया। हमने लाखों मंदिर और उनका इतिहास खो दिया। 1992 माइनॉरिटी कमीशन एक्ट। कांग्रेस ने अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाने के बाद अल्पसंख्यक आयोग बना दिया। ऐसा करके कांग्रेस ने धर्म विशेष के लोगों को स्पेशल दर्जा तो दिया ही, हिंदुओं को बांट दिया, जिसके तहत सरकार की हर योजना का सबसे ज्यादा फायदा धर्म विशेष के लोगों को ही मिलता है, जिससे कांग्रेस ने सांप को भी मार दिया और लाठी को भी नहीं टूटने दिया। मतलब साफ है, हिंदुओं को भी बांट दिया और धर्म विशेष के लोगों को भी खुश कर दिया। जब देश सेकुलर बना दिया तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की जरूरत ही क्या थी। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून। 1995 में वक्फ बोर्ड कानून बनाकर कांग्रेस ने एक और महापाप किया। वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति दे दी गई। आज स्थिति ये है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा कर दे तो कोर्ट से भी कोई मदद नहीं मिलेगी। रेलवे और रक्षा के बाद संपत्ति के मामले में वक्फ बोर्ड देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब सिर्फ एक आखिरी बार बचा था, वो बार था राम सेतु एफिडेविट बनाया। हिंदुओं ने फिर 2004 में कांग्रेस को चुन लिया तो कांग्रेस ने इसका इनाम देते हुए राम सेतु एफिडेविट बनाया और भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया और काल्पनिक बताया। आस्था और धर्म पर वार करने के बाद अब कांग्रेस ने हिंदुओं को ही बदनाम करने का प्लान बना लिया। 2009 में हिंदू आतंकवादी घोषित। 2009 में फिर से हिंदुओं ने कांग्रेस को चुना तो उसके बदले में कांग्रेस ने हिंदुओं को ही टेरर घोषित कर दिया। कांग्रेस ने बहुत ही चालाकी से एक एक कर हिंदुओं के धर्म अधिकारों और शिक्षा के अधिकार को छीन लिया, लेकिन हिंदू फिर भी कांग्रेस को नहीं समझ पाया। औरंगजेब ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया तो कांग्रेस ने हिंदुओं को खत्म करने के लिए संविधान का इस्तेमाल किया। फिर भी कांग्रेस ही बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा।